हमारे शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में एक जिला एक उत्पाद के तहत बांस से बने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है, जिसके संबंध में स्टॉल के ऑनर सिकंदर विश्वकर्मा ने बताया कि हम लोगों ने सरकार के बैम्बू मिशन के तहत बांस की बनी उत्पादों का स्टॉल लगाया है, जिसको कैंपियरगंज में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा बांस का गुलदस्ता, टोकरी, पेन स्टैंड, रक्षाबंधन, कैरेट कप सहित अन्य वस्तुएं बनाई जा रही है। यहाँ पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र के स्टॉल के ऑनर सिकंदर विश्वकर्मा ने कहा कि बाम्बू मिशन जो बांस उद्योग है वो हम चलाते हैं। बांस की सब आइटम है सर जी, ये सब बांस से बनाया जाता। जो महिलाएं हमारे में लगभग 50 से 100 लोग महिला जुटी हैं हमारे पास, ठीक, वो सब लोग वहाँ पे यहाँ स्टॉल लगता है, वहाँ पे बनाती हैं। कैंपियरगंज फैसिलिटी सेंटर, जो कॉमन फैसिलिटी, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन का समय आता है, रक्षाबंधन बनाते हैं, उसके बाद क्या नाम है, कैरेट बनाते हैं, उसके बाद कप बनाते हैं, उसके बाद और से जितने आइटम हैं बहुत से सारे नाव बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं, गुलदस्ता भी बनाते हैं, पेन स्टार है, मोबाइल स्टार है, पसंद आ रहा काफ़ी, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बिक्री वगैरह, बिक्री भी बहुत बढ़िया शुरू हो गया है, पहले तो नहीं हो रहा था लेकिन अभी बिक्री सबको जानकारी हो गया, धीरे धीरे सब शुरू हो गया। क्या नाम आपका? सिकंदर विश्वकर्मा।